पिताजी की तस्वीर पर इसी तरह फूल चढ़ाते हो जैसे अपने पिताजी की तस्वीर पर या किसी भगवान की मूर्ति पर, है ना? इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मुझे पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, फिर भला इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। मधु, तुम तो आज तक मेरे भैया को भी नहीं भूले, जो पिछले 20 साल से हमारी सूरत तक देखना नहीं चाहते। उनकी इज्जत जो खतरे में पड़ जाती, तुम्हें बहन मानने के लिए उन्हें अपने मुनीम के बेटे को बहनोई मानना पड़ता। मैं कुछ भी हूं, उनकी नजरों में उनके जूतों की खाक हूं जिसे वो चंदन बनाकर माथे पर नहीं लगा सकते। वो न लगाए तो क्या होगा, मेरे लिए तुम्हारे चरणों की धूल चंदन से भी बढ़कर है। क्या चाहिए तुम्हें? डैडी और चाचा ने चाय मंगवाई। चाचा से कहो नीचे उतरे, बटाटा के 10 हाथ पाँव नहीं है। अच्छा। चीकू, कहाँ जा रहे हो? चाचा को चाय देने। लगता है नवाब साहब का इरादा नहीं है आज नीचे उतरने का। तुमसे जो डरता है। क्यों? मैं काटता हूँ। अभी क्या कर रहे थे? ये भी तो अपना ही घर है। क्यों भाभी? मंगवा नाश्ता। क्यों बेटा? क्या बटाटा बटाटा भाभी, मैं सुबह सुबह बटाटा नहीं खाता। भाई ये हमारे नए नौकर का नाम है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? बटाटा। ये नाम किसने रखा तुम्हारा? ये मेरे बाप ने रखा। तो तुम्हारे बाप को और कोई नाम नहीं मिला? जी वो कहते हैं कि जब टाटा हो सकता है तो बटाटा क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है। चलो तुम्हें नाश्ता मैं ऑफिस में करा। हर मामले में कंजूसी करोगे। थैंक यू। Hey, Chiku, मेरे लिए चाय क्यों नहीं लाया? डैडी ने पकड़ लिया था। डैडी ने पकड़ लिया। सेव लो, पिक। मेरी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल। ये सिर्फ दिया अभी तक गए नहीं। ये चले गए हैं। संभालो मुझको। ये क्या कुछ बना? और मेरे यारों संभलना मुश्किल हो। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? मैं घर से निकला नहीं कि तुम लोग शुरू, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा। तो क्या हुआ? बच्चा है। बच्चा है, जब मैं इसकी उम्र का था दिन को काम करता था शाम को पढ़ाई करता था, इसकी तरह कूद फान नहीं। ठीक है, तुम्हारे पिताजी मुनीम थे और इसके भाई बहुत बड़े वकील, ये तो अपनी अपनी किस्मत है ना? हाँ जी बच्ची, मेरे पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? फिर कुछ भूल गए क्या? हाँ, कितनी मरतबे कहा है मुझसे पूछे बिना मेरे पर्स में से पैसे मत निकाला करो। 2 बार ऐसा हो चुका है। बड़ी शान से किसी को लेकर होटल में गए, पर्स खोला, पैसे नजर आए। होटल में? होटल में किसको लेके गए थे? आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अच्छा ले आती हूँ पैसे, बस। अपनी हालत तो देखो, फतड़ू कमीज, टोन निकली हुई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था वर्जिश किया करता था, वर्जिश। मैंने भी यही फैसला किया है जी कि मैं भी आज ही से वर्जिश शुरू कर दूं। कल कहां थे? जी वो मेरे दोस्त का जन्मदिन था ना। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रात की बात कर रहा हूं।
आइंदा लेट मत आया करो, समझे? लो। थैंक यू। इसको कहते हैं बॉडी, ये है बॉडी। अच्छा अच्छा चलो। जाता हूँ भाई। जाओ ना। और हाँ शाम को जल्दी आना। अच्छा अच्छा। सामने आइए, आइए यहाँ आइए। ये क्या फुतलू शर्ट पहन रखी? ये देख रहे हो? ये क्या? देख रहे हो अपनी टोन? जब हम तुम्हारी उम्र के थे, रोज सुबह वर्जिश किया करते थे, एक्सरसाइज। ये देख रहे हो बॉडी? देख रहे हो ना? कल रात तुम कहाँ थे? जी, मैं दोस्त का जन्मदिन। मैं दिन की नहीं, रात की बात कर रहा हूँ। लुका पट। विजय, ये क्या बदतमीजी? बड़ों का मजाक करते हो? तेरे भैया जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं। लेकिन वो प्यार से क्यों नहीं कहते? तुम्हारी तरह शक्कर घोल के। क्या? अच्छा अच्छा, मस्का मत लगा, चलो नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, आज से नाश्ता बंद। क्यों? एक्सरसाइज, बॉडी, फ्रूट्स, फल, सेब, एप्पल्स, चिकू। चल प्लीज, इसके पैसे मैंने दिए हैं। माता का है? तुम कितना खाएंगा? सूजी सिस्टर, हम तो खाता ही नहीं है, एक चखने के वास्ते है। सुना देसाई भाई, ये सिर्फ चख रहे हैं। फकत दो मुर्गियां 12 पराठे इनको काफी है। भरा है पेट उल्फत से, गिजा खाई नहीं जाती। सलीमिया, ये फकत का मतलब क्या होता है? फकत का मतलब वाला है। तो बोरिंग से मत बोलो, कर तो छोकरे बैठे लग गया। नमस्कार। विजय, मेरा कजन गुल्लू फर्स्ट ईयर में। हेलो गुल्लू। वो दारू वाला, सॉरी दस्तूर दारू वाला। साहब जी, तुमने गुजराती आवड़े क्या? क्या बोला आपने सर? नहीं समझा। ग्लैड टू सी यू। ये है सूजी, ये देसाई। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे खुशी नहीं, खुशी। और ये जो टोकता रहता ना, ये है योगेश कपूर। नमस्ते जी। और ये है सलीम। जरा नवाजी का शुक्रिया, तशरीफ रखिए। चाय पिएगा? दो चाय। हाय एवरीबॉडी। यार कमाल है विजय, बस स्टॉप पे खड़ा तुझे मैं आवाज पे आवाज देता रहा और तू भर करके निकल गया। माफ कर दे भाईजान, कसम से तुझे देखा नहीं, अगर देखा होता तो जरूर रुकता। आवाज दे रहा था, ये चक्कर क्या है? लड़की तो है, नाम सन्ना है, हम लोग भाईजान बुलाते हैं। देखने में लड़की, बोलने में लड़का। और नहीं नहीं नहीं, बाकी सब खैरियत है। बेनी के आते ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि लंच में या डिनर के लिए पार्टी अरेंज। आई टॉक ऑफ द डेविल, वो बेनी का बच्चा। आइए आइए आइए। हाय पैलेस। हाय 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 भाईजान। हाय, तेरा जिक्र हो रहा था अभी। ये कौन है भाई? मेरा कजन गुल्लू। शक्कर मिलती है। रोज इनके साथ क्यों आता है? इनके साथ ये गुंडे ही है, थर्ड क्लास की। ये विजय अपने कॉलेज के एक्सलेंस हैं यार, बेचारा को डिग्री मिल गई लेकिन नौकरी नहीं मिलती, ऐसे पास सारा वक्त यहाँ जाया करते हैं। क्या सारा वक्त जाया करते हैं यार, सारा दिन गुंडागर्दी करते हैं, इनको नौकरियों के लिए फुर्सत कहाँ है? देख विजय, आदमी जिंदगी में सिर्फ दो काम कर सकता है। क्या? या वो खाएगा या भूखा रहेगा, और अगर भूखा रहेगा तो गुंडागर्दी करेगा। विजय ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है यार, यू कांट ब्लेम देम। 19 यस सर। 20 यस सर। 21 यस सर। 22 यस सर। 23 यस सर। 24 24। तुम क्लास में बहुत बातें करते हो, एंड आई डोंट लाइक इट। सॉरी सर। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो प्रिंसिपल साहब के पास ले जाऊंगा, समझे? आई एम सॉरी सर। नाउ सिट डाउन। 25 26 27 28 29 30 सुन, कल का क्या प्रोग्राम है? वही जो हर संडे होता है, मीटियो तो डिस्कुते। मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? नहीं यार, मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। डोंट बी अ बोर यार, कुछ खास लोग आने वाले हैं। कम ऑन यार, तुम भी सिली। आई एम सॉरी, यू हैव टू कम। हां तो ठीक है यार, चल यहां से। तू भी किसी के पास बुला लेता है यार, चल भाग। हम लोग जाएंगे। राखियां भी पहुंच गई, ये हर्षी की और ये प्रभा की। अजीब है मेरी बहनें भी, खत कभी लिखे ना लिखे लेकिन उनकी राखियां ठीक एक दिन पहले जरूर पहुंच जाती हैं। मैं जानता हूं मधु, तुमने भी तो अपने भैया को राखी भेजी हो। भैया आज राखी के शुभ दिन, तो अपनी बहन की बात मान लीजिए। मेरी कोई बहन नहीं, वो तो उसी रोज मर गई
जिस रोज उसने ठाकुर खानदान की पगड़ी उछाल कर एक मामूली मुनीम के बेटे के कदमों में डाल दी भैया, वो उस रोज मर गई जिस रोज उसने बेइज्जती का दामन थाम लिया। 10 साल बीत गए भैया, अब तो भूल जाइए, अब तो मान जाइए। बपास बंद करो, निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। भाई अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकता है लेकिन बहन अपने भाई से रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकती, कभी नहीं तोड़ सकती। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। जो रिश्ता दिल से टूट गया उसे ये धागे का टुकड़ा दोबारा नहीं जोड़ सकता। ले जाओ। मैं तुम्हें बहुत दूर ले आया। नहीं, नफरत से दूर रहना ही अच्छा है, चाहे वो सगे भाई की ही क्यों ना हो। नमस्ते जी। अरे आप लोगों ने क्यों तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। जी आप क्या आते हमारे गरीब खाने पर, आप तो नए नए शहर में आए हैं, कोई काम कोई जरूरत? अरे जरूरत होगी तो आप ही लोगों से कहेंगे। बैठे ना, जोशी बैठिए। बैठो बैठो बैठो। नीता जरा एक मिनट यहाँ ना, देखो तुम्हारी मम्मी की सहेली आई हुई है। ऐसे नहीं बेटी, ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, तू मेरे गले लग जा, तू मेरी बहन की एक ही एक निशानी। वो आज इस दुनिया में नहीं रही लेकिन मैं तो उसे याद करके रोज ही रोती हूँ और रोती ही रहती हूँ। आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ बेटी, आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ। डैडी डैडी आपने मुझे बताया नहीं कि मम्मी की इतनी अच्छी दोस्त है। अरे बेटी मैं बेटी, इनसे मिली हो? ये सिन्हा साहब हैं और वो मेरा बेटा बनी। बनी भाई हमारी बेटी इस शहर में बहुत बोर हो गई। अंकल यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी जगह है, रेस्टोरेंट है, डिस्कोथेक्स है, आपसे मिलने के बाद तो मैं खुद वहीं जा रहा था। चलिए आप वाले चलता हूँ। जाओ ना, जाओ ना, घूमिए जल्दी से। हाँ हाँ बेटे घूमाओ, हम बुढ़े तो तुम्हें रखा ही क्या। तुम बहुत बोलते हो, चुप रहो जी, जा बेटे जा। अभी नया नया खुला है। ये कौन है? हाय हाय कर रहे थे? ये अपने कॉलेज के हैं। डोंट माइंड देम लोफर्स। बड़ा कमीना है, समझता क्या अपने आप को? हमसे मिलाते हुए शर्म आती है, हैं? मारो सिट डाउन यार। वाओ आप लड़की है यार। कौन साला कह रहा था अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। ये उसकी माँ है। ओ शट अप यार, आज तो हद कर दिया। ज्यादा ही शो ऑफ करते हैं ये लोग, यू नो कॉलेज मैंने ज्यादा मुंह नहीं लगाता। आपको मालूम नहीं था यहाँ आने वाले ये लोग? अगर ये मालूम होता तो आपको लेकर यहाँ आता? इम्पॉसिबल। ओ बट आई लाइक इट, इट्स ऑल। मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? साले बेनी का कुछ इलाज करने जा रहा हूँ। बड़ी कठिन समस्या आन पड़ी है। आई एम इन लव। ओहो यार अब क्या चाहिए तुझे? वो बनी का बच्चा है ना, आज कुत्ते का बच्चा बन गया है। वो तो हमेशा से था। ओ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं मामा जी? प्लीज 2 मिनट भी उसे वहां से फुटा दो। अरे मगर कहां से फुटा दिया? उस लड़की के पास है और कहां से? आप कितने डल हो जा रहे हैं मामा जी। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, सोचिए प्लीज प्लीज। ठहर 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 बेटा, क्या पियेंगे आप? प्लीज वेटर। कुछ नहीं। ओ कम ऑन, यू मस्ट हैव समथिंग। अ कोक, 2 कोक्स। आपका टेलीफोन सा मेरा हर्षो जी सर। एक्सक्यूज मी, हाय बेनी कहाँ है? टेलीफोन करने गया है। अजीब आदमी, आपको अकेला छोड़ कर चला गया? खैर कोई बात नहीं, आप बेनी की दोस्त हैं, बेनी हमारा दोस्त है, इसलिए आपकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। क्या पियेंगी आप? कुछ नहीं। मेरा नाम विजय जी जी। और आपका? नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ,
मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे? जी, आपकी शक्ल बड़ी जानी पहचानी सी मालूम हो रही है। बताइए तो मैंने आपको कहाँ देखा है? मैं तो समझ रही थी आप बताएंगे। Of course, blow up, blow up? वो कहाँ है? Wait a minute. हाँ, मैं इन्हीं से पहले मिल चुका हूँ। दोनों गुड़िया साथ में आ गई है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी। मामा जी, फोन तो डेड हो गया। किसे फोन था? पता नहीं, मैंने नाम तो पूछा, बताया नहीं उसने। लड़का था या लड़की? जहाँ तक मेरा ख्याल है एक आवाज तो लड़की की थी। नेवर माइंड मामा जी, अब अगर किसी का फोन आए तो कह दीजिए मैं यहाँ हुई नहीं। ओके। आप डांस वांस नहीं करती? कभी कभी। 100-150 साल में एक आध बार? हाँ, नहीं ऐसी बात। तो आइए ना, देर किस बात की, आइए आइए। बेनी। ओहो, बेनी के बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देखकर बड़ा खुश होगा कि मैं आप ही की सेवा कर रहा हूँ। आइए आइए। विजय, तू बड़ा अजीब आदमी है यार। क्यों, क्या? आशा का टेलीफोन आया था तेरे लिए, मामा जी ने गलती से मुझे बुला लिया। व्हाट डू यू मीन यार? व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन? उसे मालूम हो गया है कि तू सीमा को लेकर यहाँ आया है, मुझसे पूछ रही थी, मैंने टाल दिया। इस बार तो तू बच गया बच्चे, लेकिन एक दिन तू डेफिनेटली बच जाएगा। व्हाट डू मीन यार, क्या कह रहे हो तुम? इतना लेस डांस, इसे तो व्हाट डू मीन बीमारी हो गई है। मगर एक्सक्यूज मी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, पर हमसे घुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मजदूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मजदूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिल मेहरबान होगी। आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिल मेहरबान होगी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, पर हमसे घुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल।
साला बेनी अभी तक नहीं है। आने दो साले का भूता बनाएं। बराबर से। तुम तो हमेशा वेजिटेरियन बात ही करोगे। भुट्टा नहीं कीमा बनाएंगे साले। उसको घर पे जाके मारेंगे। घर का ऊपर नहीं रे, नहीं तो पुलिस के सो जाएगा। तो चुप रहे। मेरा तो कल से गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा गुस्सा। कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि हम उसकी धुलाई करने वाले। वो आ गया। अरे इसका तो शैतान का माथा। चलो लेट्स गो। साले कमीने कुत्ते, लड़की को देख के मुंह फेर लेता है। ये बात है कुत्ता का माथा। मैं बताता हूं ये बाजे तो मेरे को भी मारना। दूर हाय नीता। हाय बेनी, हाउ आर यू? आप मेरे कॉलेज देखा है? मैंने देखा हुआ है। बेनी तुम तो कह रहे थे ये लोफर्स हैं, तुम क्यों मिलते हैं इनसे? ये तो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, जब मैंने भैया कह के बुलाते हैं इन्हें तो जवाब देना ही पड़ता है। चलो लेट्स गो। मैंने आपने ये कॉलेज देखा हो, फिर भी आज मैं आपको दिखाता हूँ। I'll take you out in the recess. Okay? This is the classroom. Please. क्यों बे कमीने, लड़की को देखते ही दिमाग चौथे आसमान पे। मैंने क्या किया बे? क्या किया? कल जब उस लड़की के साथ आ रहा था तो ऐसे बिहेव किया जैसे मैं जानता तक नहीं। और हमें मिला है भी नहीं है। तेरा बाप का बाल है क्या? अच्छी लड़की है यार। अच्छी लड़की है और हम बदमाश है। कॉलेज में सिर्फ तू ही एक शरीर ज्यादा है। छोड़ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रहे हैं? जी ये वो बेल तो हो चुकी है ना? जी जस्ट गोइंग सर। जस्ट गोइंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाई आर यू लेट सर? ये सॉरी सर। सॉरी सर। नाउ सिट डाउन। थैंक यू सर। 22? यस सर। 23? यस सर। 24? यस सर। 25? यस सर। 26? यस सर। 27? यस सर। 28? यस सर। 29? यप। 30? सर, आपने मेरा नंबर नहीं पुकारा। क्या नाम है तुम्हारा? नीता सर। तुम्हारा एडमिशन कब हुआ? फ्राइडे को। फ्राइडे को। आप इनके क्या लगते हैं? सर ये इनके बॉडीगार्ड है सर। साइलेंस, साइलेंस। मैंने आपसे नहीं पूछा था। सॉरी सर। तुम्हारा नंबर अभी तक मेरे पास नहीं आया। आई विल मेक इंक्वायरी इन द ऑफिस। प्लीज सिट डाउन। आज मैं आपको हिंदुस्तान के महान कवि कालिदास के जीवन की। बच्चे आज तू प्रिंसिपल साहब की वजह से बच गया। ये कोई जरूरी है कि मैं तुम लोगों को हर लड़की से मिलाऊं? अरे जा जा, तू के लड़की से मिलाएगा देखना। जब तू कल कॉलेज आएगा लड़की हमारे साथ कैंटीन में बैठी होगी। अबे जा, शर्त लगाता है। लगे हारने वाला सबको पार्टी देगा। डन डन डन। विजय इधर आइए, इधर आइए। कल जब आप कॉलेज तशरीफ लाएं तो अपने गार्डियन को साथ लाइए, वरना किसी भी क्लास में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। प्लीज गेट आउट नाउ। क्यों सर? आई से गेट आउट। लेकिन सर ये आई से गेट आउट। लेकिन सर आई से गेट आउट। बहस मत करो मुझसे प्लीज सर। मगर आई से गेट आउट नाउ। मैं तो सोच रहा हूँ अगर भैया को पता चल गया तो घर में जाके जूते पड़ेंगे। आजकल तो अपना रिकॉर्ड खराब है। विजय, ये प्रोफेसर तेरा भैया को जानता है क्या? नहीं। मैं वजी को भाई बना लेता हूँ। Damn good idea, terrific idea. क्यों? क्या ख्याल है? वो तो ठीक है, पर बैनी का क्या करेगी? बैनी? ओ, सूजी, जरा एक मिनट आना। आओ। ए सूजी, आज तुम बहुत अच्छा दिखता है। Really terrific. एक छोटा सा काम करेगा? होएगा तो करेगा। अरे कैसे नहीं होएगा? जरूर होएगा। फिर करेगा? करेगा ना? अच्छा देखो, वो जो छोकरी है ना, उसका नाम और पता दिलवा दो। वो जो कमीने बैनी के साथ में आई थी, वो छोकरी। करेगा ना? अच्छा जाओ। क्या हुआ चाचा? मोटरसाइकिल खराब हो गई है। अभी तो फर्स्ट क्लास चल रही थी। अरे बेवकूफ, क्या मोटरसाइकिल खराब होने से पहले बताती है कि मैं खराब होने वाली हूँ? जो स्टैंड लगा। चाचा जल्दी करना, नहीं तो मैं स्कूल में लेट हो जाऊंगा। टू मिनट में ठीक कर देता हूँ यार। टू मिनट्स।
तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। चाचा किसको ढूंढ रहा है? आ, यार कार्पेट में कचरा फंस गया ना, उसी को ढूंढ रहा हूँ। जल्दी करना चाचा। दो मिनट में यार। चिकू सेठ, अब सब ठीक हो जाएगा। हाय। हेलो, क्या हुआ? मोटरसाइकिल खराब हो गई है। समझ में नहीं आता क्या हुआ, शायद कार्बेटर में कचरा फंस गया होगा। बेचारा चिकू आज स्कूल के लिए फिर लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप मोटरसाइकिल यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों करती हैं, हम लोग अपने आप ही चले जाएंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आइए ना। नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, टैक्सी ले लेते हैं। क्या हुआ बेटी? डैडी, विजय है मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, इनकी मोटर बाइक खराब हो गई। नमस्ते। चलो ड्राइवर आइए। थैंक यू वेरी मच। आओ चिकू, और आंटी को थैंक यू बोलो कि आज उन्हें तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दी है और तुम डांट खाने से बच गए। थैंक यू वेरी मच नीता जी, हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे कि आपने चिकू को और मुझे आज डांट खाने से बचा लिया। अब चलें। मिल सब के लिए एक मिल्शन। नहीं 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 नहीं, क्या है, कोई पार्टी है यहाँ? ओह हाउ सिली ऑफ मी, आपके कॉलेज में आने की खुशी में डैनी ने यह पार्टी दी है। क्यों मैंने? क्या क्या, तो तू ऐसा कह रहा है जैसे तुझे खुशी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, भला नीता कहने पे मैं खुश ना होगा? खुश है ना, बस ये उसी खुशी की पार्टी। Thank you, Benny. Bye. Thank you for the lift, Neeta. All the best. Bye. See you again. Yes. हाँ भाई, ये तुम्हारे बाप का ही है। तुम्हारे बाप। अरे पैसे तो तुम्हारा ही है, यही पीले फोकट में है, छोड़ गई है। हाय हाय, नमस्कार। नमस्कार। आखिर बेनी ने तुझे उससे मिलवा ही दिया। बेनी ने? हाँ मुझे। हाँ अरे यार, ये क्या मिलवाएगा, हम खुद ही उसे मिल बैठे। अरे ये सब कुछ क्या है, ये पार्टी वार्टी क्यों भाई? आज फिर बेनी का बर्थडे है। ओहो, तो फिर मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेनी। अच्छा सब हिसाब किताब हो गया यार, वो थोड़ा चक्कर है, 1000 उसको दिया, 500 इसको और 500 योगेश को, 1000 का कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी माल हो गया बच्चे? माल? अरे पागल हुआ, माल की कौन बात कर रहा है, हम तो इन हैंडबिल्स की बात कर रहे हैं। यार विजय देखना कितने सारे हैंडबिल्स बचे हैं, कन्वेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही। अरे यार तू क्यों घबरा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कैसी कन्वेंसिंग? बेनी तुम्हें हर चीज समझने में वक्त लगता है, इलेक्शन की कैनवेसिंग और किस बात की? लेकिन विजय ये इलेक्शन मैं भी लड़ रहा हूँ और तूने मुझे प्रॉमिस किया। मैंने तुम्हें कब प्रॉमिस किया था? कॉलेज का हर लड़का जानता है कि रतन इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, इसके अलावा वो मेहनती है, इंटेलिजेंट है और कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कॉलेज का हर स्टूडेंट इसे ही वोट देगा और जनरल इलेक्शन के लिए यही जनरल सेक्रेटरी बना जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं भी ये इलेक्शन लड़ूंगा। देखो बेनी, तुम हम हाजिर कर रहे हो। देखो विजय, तुमको और तुम्हारे इन सब दोस्तों को इलेक्शन जीत के बताऊंगा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? जी हाँ। मुझे चैलेंज कर रहे हो? जी हाँ। इन दैट केस बनी, ये लो और पहले बिल दो। बोलो बनी साहब, बिल यू मेरे नाम पे लिख दो। तू फिकर मत कर यार, मैं तेरे मास्टर के छक्के छोड़ा दूँ। मास्टर नहीं मामा जी, प्लीज प्रोफेसर, एक ही बात है यार, चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे भाई साहब। नमस्ते। ओह आई मिस्टर रवि आनंद, बहुत खुशी हुई हुजूर आपसे मिलके। कैसे हैं आप? मेहरबानी। हाँ जी कहिए, कैसे याद किया मुझे? अनंत साहब जी, मैंने तकलीफ आपको इसलिए दी थी जी कि विजय अब क्लास में इतनी शरारतें करने लगा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। क्यों विजय, ये सच है? आई एम वेरी सॉरी भाई साहब, दरअसल इसकी मौजूदगी में क्लास में पढ़ाना तक मुश्किल हो गया है, चुप बैठ ही नहीं सकता। विजय क्या मैं तुम्हें इसलिए कॉलेज भेजता हूँ कि यहाँ पे तुम आके शरारतें करो? परमात्मा कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सर जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, आपके सामने झुका है। अनंत साहब, प्रोफेसर साहब, इस लड़के ने मेरी आशा और मेरी उम्मीदों में पानी फेर दिया, आग लगा दी उनको। प्रोफेसर साहब
मैंने मरते समय अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को महान आदमी बनाऊंगा, बहुत बड़ा बनाऊंगा, दुनिया में इसका नाम होगा। प्रोफेसर साहब, ये भी मेरी आशा थी कि हिस्ट्री में इसका नाम सुनहरे अरबों में लिखा जाएगा। मगर कमी ने अब तेरा नाम हिस्ट्री में तो क्या भूगोल में भी नहीं आएगा। आई एम सॉरी भैया, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती के पक्ष में आनंद साहब, तूने मेरी नाक कटवा दी। आनंद साहब, आप तो बहुत ही जोश में आ गए। जोश तो मैं इस कमीने को काटने जाके दिखाऊंगा। आपकी वजह से मैं खामोश हूँ। साहब, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप इन्हें मारे। मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे क्या मुंह दिखाऊंगा? आनंद साहब, होश में आइए, क्या कर रहे हैं आप? पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके वचन का पालन तो कर सका। अरे आनंद साहब प्लीज। आनंद साहब, इतने बड़े लड़के को मारना नहीं चाहिए। कमाल है, क्यों साहब, क्यों ना मारूं? वो जवान लड़का है, समझने की। अजी, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसे बंदूक मारूं, गोली मारूं या थप्पड़ मारूं? कमाल है, लेना एक ना देना दो। अजी, इसकी जिंदगी खराब हो रही है और मैं खड़ा हुआ देखता रहूं, कमाल है। अच्छा अच्छा हुजूर, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब आपको जो कुछ करना है अपने घर जाके कीजिए। विजय विजय प्लीज, अपने ब्रदर को ले जाओ यहाँ से प्लीज। कमाल है भाई। अजी, क्या जमाना आ गया, लो प्लीज। बड़ा भाई छोटे भाई को मार भी नहीं सकता। अच्छा, कल जुग आ गया। अजी लो, कुछ समझ में नहीं आता हमारे तो। लेकिन मैं कहता हूँ साहब, ये भूखा मरेगा तो आप इसे खिलाएंगे। मैं कहता हूँ इसके बच्चों को कौन खिलाएगा, आप खिलाएंगे? कमाल है साहब, हटो के हटो। मिस्टर कादर, क्या बात है, परेशान क्यों हो? क्या बताऊं गुप्ता जी, वो अपना विजय है ना, विजय, वो क्लास में बहुत ही शरारतें करता है। आज उसके बड़े भाई को यहाँ बुलाया था। रवि आनंद को? जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूं। अजीब आदमी है साहब, आते ही उन्होंने विजय की पिटाई करनी शुरू कर दी। किसने? रवि आनंद ने? जी हाँ, अभी अभी तो निकले हैं, आपको मिले ही होंगे। वो चश्मा पहना हुआ था। चश्मा पहना हुआ था? लेकिन रवि आनंद तो चश्मा पहनता ही नहीं। क्या नहीं पहनता? अभी अभी बाहर ही निकले होंगे। वो देखिए, लेकिन वो रवि आनंद नहीं है। नहीं है? कमाल है, 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, मगर तुम जैसा स्टूडेंट मेरी नजरों से नहीं गुजरा। अरे तुम इंसान हो, जानवर हो, किस मिट्टी से बने हो? एक बार क्लास में कुत्ते का बच्चा लाकर छोड़ दिया, और दूसरी बार दिवाली मनाने के लिए क्लास में पटाखे छोड़ दिए, और तीसरी बार किसी लड़की के सर में च्युइंग गम चिपका दिया, और अब हम लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए किसी भाड़े के टट्टू को भाई बना के ले आए हो। तुम यहां पढ़ने आते हो या सर्कस के करतब दिखाने? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, पढ़ाई में अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, स्पोर्ट्स में तुम्हारा नाम है, फिर तुम ऐसी गंदी हरकतें क्यों करते हो? मैं वादा करता हूं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज सर, मुझे एक मौका और दीजिए। ठीक है, एक मौका और देता हूं तुम्हें, लास्ट वार्निंग। इस गलती के लिए तुम्हें 50 रुपया जुर्माना। थैंक यू सर। जा सकते हो। I'm very sorry sir. I'm sorry. सर, जुर्माना भरने से यूं ही जान छूटती रही तो जिंदगी भर ये यही हरकतें करते रहेंगे। और हम कर ही क्या सकते हैं, मार तो सकते नहीं। वो जमाना गया प्रोफेसर, जब स्टूडेंट अपने उस्ताद को बाप की तरह समझता था। अब तो वो कहता है, आप पढ़ाते हैं तो मैं फीस देता हूँ, आप नौकर हैं मैं मालिक। ये माँ बाप का कसूर है जो अपनी औलाद को काबू में नहीं रखते। वो भी क्या करें, आज के माँ बाप अपने पेट की आग बुझाने में इतना मसरूफ हैं कि वो नहीं जानते उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी औलाद क्या कर रही है। उन्हें तब होश आता है जब उनकी औलाद काबू से बाहर हो चुकी होती। सर, तो इसका ये मतलब हुआ कि आज की इस नई पीढ़ी को सुधारने का कोई तरीका नहीं है? अपनी मसरूफियत के बावजूद माँ बाप अपना फर्ज ठीक से निभाएं और टीचर्स अपना। तो आपकी वजह से आप काफी स्मार्ट निकले। मैं तो समझी थी कि मोटरसाइकिल सचमुच खराब हो गई। थैंक यू बेनी, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ पहले बता दिया। बाय। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज की मीटिंगों से, सोचता हूँ मेरे बिना इस कॉलेज का क्या होगा।
कल ही प्रिंसिपल साहब कह रहे थे विजय तुम्हारे बिना तो इस कॉलेज की गाड़ी बंद हो जाएगी। है? क्या हुआ? शायद कार्बोरेटर में कचरा आ गया। कार्बोरेटर में कचरा आ गया? ये कैसे? जैसे आपकी मोटरसाइकिल में आया था। लेकिन अभी अभी तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। आप जरा पुश करेंगे तो शायद स्टार्ट हो जाए। Why not? Of course. अभी पुश कर देता हूँ। Oh God. Come on, जोर से। मार तो रहा हूँ। Come on, जोर से, जोर से। क्या हुआ? मैम साहब, मेरे ख्याल में आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। आप थोड़ा और धक्का दें तो शायद स्टार्ट हो जाए। ओके। मैं फिर कहता हूँ मैम साहब, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। मैंने कहा है इसमें पेट्रोल ही नहीं है। ये तो स्टार्ट हो गई। कार्बोरेटर में कचरा आया नहीं, लाया गया। क्या मतलब? सुबह आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, शाम को मेरी। क्या? अरे फाइन विजय का और भरू मैं उसका फाइन मैं मेरे को काय को करते हम तुम्हारा गिरा का क्यों नहीं हम सब की वजह से ये फोकटिया कैंटीन चलता है क्या नहीं चलता है मगर मैं देता क्या नहीं तुमने तो हमारा पहले 50 रुपया देना है अरे रोता काय को है दे देगा उसमें उसमें से काट के 100 रुपया नहीं देता नहीं देता नहीं देता है नहीं देता देता है देता है देता है बाबा अरे बाकी सुनो वो तुम्हारी गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा क्या कर रहे हैं आप लोग विजय रैली फंड विजय का फाइन का पैसा घर से लेकर क्यों नहीं आता घर का ऊपर बोलेगा तो झूठा पड़ेगा तो फंड आप लोग क्यों इकट्ठा कर रहे हैं आइडिया अच्छा है लेना दे नहीं 2 रुपया नहीं चलेगा 5 रुपया नीता तुम्हें भी फंड में कुछ पैसा देना होगा गुनहगार को उसके किए की सजा बनी मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स बिल्कुल हाँ पैसे बच गए मेरे तो जैसे नीता तेरे खिलाफ क्यों मालूम नहीं दसू चंदे के कितने पैसे हो गए मेरे को लगता है 10-15 रुपया बाकी है कॉमन रूम में चलो शायद कुछ हो जाए यहाँ तो सब कंजूस बैठे होंगे एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे सकती हैं? मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं आपको काफी समझदार समझती थी। जी? एक अकल की बात बताती हूँ। बताइए। किसी लड़की से दोस्ती करनी हो तो रोज नया बहाना बनाना चाहिए नेवर रिपीट योरसेल्फ पेट्रोल खत्म हो गया आज तो वाकई आपकी गाड़ी खराब हो गई चलिए मैं आपको पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे दूं। थैंक यू ओफो आ जाओ ना थक जाओगे आपकी गाड़ी को धक्का देने के बाद काफी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है मैम साहब आ जाओ प्लीज जी नहीं प्लीज एक शर्त पे आज रात को आप रतन की पार्टी में आएंगी ओके 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 तो चलो ये बॉय चलिए दम मारो दम दम मारो दम मारो दम ये जाए दम बोलो सुबह शाम जिंदगी उसी की है जो
से ना पूछो कोई प्यार क्या है, प्यार क्या है, पूछो बाहर से, पूछो बाहर से। साज दिल छेड़ दे, ऐसा कोई गाना नहीं है, कोई गाना नहीं है। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, तराने बने तो, तराने बने तो फसाने बनेंगे। फसाने बने तो सुनेगी ये महफिल, सुनेगी ये महफिल, बड़ी होगी मुश्किल। निगाहों के हम तुम निशाने बनेंगे के रुसवाइयों के, रुसवाइयों के बहाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। से फिर तो मुलाकात होगी, यूं ही दिन कटेगा बसर रात होगी। नए दोस्त एक दिन पुराने बनेंगे, मोहब्बत में दो दिल, मोहब्बत में दो दिल दीवाने बनेंगे, अगर सांस सीधा कराने बनेंगे। मोहब्बत का दुश्मन पुराना, दीवाने नहीं हम सयाने बनेंगे, सयाने नहीं हम, सयाने नहीं हम दीवाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। तराने बने तो फसाने बनेंगे, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे। संभाल के भाई, संभाल के। हाय डैडी। हाय, क्यों पार्टी जबरदस्त रही? बहुत मजा आया। लवली डैडी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। इसका मतलब है तुम्हारा लग गया है बम्बई में, है? डैडी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। मैं नहीं आया था, पता नहीं क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देता। चल बैठ। मगर मैं चिट्ठी नहीं लिखना चाहता हूँ भैया, मुझे डर लगता है, बड़े अजीब किस्म का आदमी है। लिख। लिखेगा नहीं तो उसके नीता के मन में क्या है पता नहीं चलेगा, और जब जूते पड़ेंगे तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? उसने गाने में क्या कहा था? अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तराने बनेंगे, फसाने बनेंगे, फसाने बने तो। लिख। अगर कुछ हुआ तो तुम लोग सब जिम्मेदार हो, अपन को बचाना। नीता, ए बेस्ट ऑफ लक। अरे जाना, जहां से सुनेगा जा। हेलो। हेलो। आपने फिल्म फेयर पढ़ा? आपने पढ़ लिया? इसे फिर से पढ़िए ना, पढ़िए ना, इसमें क्वेश्चन आंसर बड़े इंटरेस्टिंग है, और इस और इसमें मेरी चिट्ठी भी है। क्या हुआ नीता? बहुत टाइम ले रही है यार, अभी तक नहीं आई, आ जाएगी यार, अजीब नर्वस टाइप आदमी। मेरे को तो कुछ घपला लगता है, हो सकता है मजा ले लेकर पढ़ रही हो।
इधर इधर उसका फादर को फोन करने जाएंगे तो इम्पॉसिबल, अंदर फोन नहीं है, फोन करने के लिए बाहर आना पड़ता है। तेरा भगस बंद कर। मेरे को लगता है वो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने गया होगा, उसका फादर तेरा ऊपर केस करेगा। रे करने दे यार विजय, तो किसी बात की फिक्र मत कर, हम हर मुसीबत में तेरा साथ देंगे। क्यों फाइनल बहुत गुस्से का अंडा मेरे जो यो सब आ गया, मैं भी अभी आता है। हिम्मत कर, हिम्मत क्या इतनी बड़ी हरकत की और मुझसे पूछा तक नहीं? लेकिन मेरा लव लेटर लिखने का कोई इरादा नहीं था। ये सारी बदमाशी लड़कों ने की है भाईजान, नीता बहुत नाराज गई है। इससे पहले कि उसके बाप को पता लग जाए मुझे वो लेटर वापस ला दो प्लीज। उसे कहना कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, मैंने सिर्फ मजाक में लिखा था। मजाक क्या था, मजाक में क्या किसको लव लेटर लिखते हैं? अरे बाबा हो गया ना, प्लीज माफ कर दो। अरे भाई माफ कर दो बेचारे को। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पहली मुलाकात हुई नहीं और जनाब ने इश्क का पूरा डाकखाना खोल दिया। पढ़ो इसको। नहीं नहीं सुनो, मैगजीन में लिफाफा और लिफाफे में अपना दिल भेज रहा हूँ, एक एक लफ्ज मेरे खून में डूबा हो। ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल। अरे दिल तो इस तरह भेजा है जैसे बिजली का बिल हो। लगता है जनाब का खून इंक फैक्ट्री में बनता है। जुल्म कर रही हो बेचारे पे, इनकी फैक्ट्री देखती हो लिखने वाले का दिल नहीं देखती। अरे दिल की बात ही ना करो, मुझे तो विजय साहब काफी चालू लगते हैं। पता नहीं श्रीमान जी पहले कितनी लड़कियों को खत लिख चुके होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो गरीब बेचारा तो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। और देखो ना मुझे भाईजान भाईजान पुकारते पुकारते उसका मुंह सूख जाता है। सूखने दो, अब तो डैडी इस खत को वापस करेंगे। डैडी? मैं सोच रही हूँ डैडी को ये खत दिखा कर उनकी भी राय ले लूं। क्यों एक यतीम का खून अपने सर लेना चाहती हो? वेरी फनी। अब माफ भी कर दो ना बेचारे को। पहला पहला खत है, पहला पहला प्यार है, पहला कसूर तो अदालत भी माफ कर देती है, और सच पूछो कसूर भी बड़ा प्यारा है। अब वापस कर दो ना खत, प्लीज। कर दूंगी वापस। अच्छा, लेकिन एक शर्त है, वो मेरे पास आए, मुझसे माफी मांगे, कान पकड़े, उठा बैठी करे, तौबा करे, उसके बाद वापस कर दूंगी। ओके डन डन। सुनिए जी। हाँ ये चिट्ठी आपने लिखी थी? जी हाँ। एक शर्त पर चिट्ठी मिलेगी। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। आइंदा किसी लड़की को चिट्ठी नहीं लिखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा किसी लड़की को चिट्ठी नहीं लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। विजय तुम्हारा खत मिला, कई बार पढ़ा, हर बार यही लगता जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ। ऐसे लगा जैसे इस छोटे से लिफाफे में तुमने सारे जमाने की खुशियां समेट कर भेजी हो। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, नींद का कहीं नामो निशान तक नहीं। नजरें घड़ी पर हैं और दिल बेकरारी से इंतजार कर रहा है कि सुबह कब होगी और कब तुमसे मुलाकात हो। नीता। विजय आओ, चलो
नीता आउट। जरा नीता को बोलना वहां आने के लिए। क्यों? एक बात करनी है। एनीथिंग स्पेशल? ऐसे ही बात करनी है। मुझसे क्यों? कुछ कहना चाहता है। मुझसे क्या कहना है? मुझे क्या मालूम? मैं नहीं जाती। नहीं जाती है तो मत जा। सुजी, तुम जाके कह दो ना, मैं नहीं आ सकती। अरे बच्चा लाएगा अपने आप। सुजी सुनो तो, अब क्या है? सुजी मैं अकेली कैसे जाऊं? मुझे डर लगता है। क्यों? तुम भी चलो मेरे साथ प्लीज। हाँ? हेलो। हेलो सुजी। नीता, नीता तुम्हारा खत पढ़ा। पहले तो यकीन नहीं आया कि ये खत तुम्हारा है। कई बार पढ़ा, जानती हो रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। नीता तुमने कभी महसूस किया है? नीता, No।
नौटंकी में काम करते थे क्या? क्यों? ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले वो हमारे दादा परदादाओं के पोते। इन्हें शौक होगा। नीता डैडी आई एम वेरी सॉरी, हम लोग जरा लेट हो गए। क्यों, क्या हुआ था? अंकल बात ये हुई, रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल फटाक से हो गई। फटाक से? पंचर। बड़ी मुश्किल से ठीक हुई अंकल। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं समझा आप नीता के कान वान खींचेंगे, इसलिए आपसे माफी मांगने खुद चला है। कोई बात नहीं, हमने माफ किया। अरे बेटी ये पहली मरतबा हमारे घर आया है, इसके ही कुछ खातिर वातिर करो। सर दो तीन चेक रह गए हैं, साइन कर दीजिए। बैठो बेटा। जी एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, बैठ जाओ। जी ये तस्वीर अंकल? ये मेरे पिताजी की है। ओह क्यों, क्या हुआ? वेरी गुड तस्वीर अंकल, वेरी गुड। बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने बनाई है। मैं चलता हूँ। बैठो, नीता को आने दो, बहुत देरी हो रही है, प्लीज। बैठ जाओ, आती होगी, बैठ जाओ। जी देखो ऐसा करो, मैं परसों कलकत्ते जा रहा हूँ, उन्हें कल यहाँ ले आओ। जी मैं चलता हूँ। विजय सुनो, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बैठो। मुझे काम याद आ गया, मैंने बताया ना डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके दवाई लेना भूल गया, मैं चलता हूँ। सुनो जी, कल की बात पक्की रही, खाना हम लोग इकट्ठा खाएंगे। हैं जी, जरूर। बाय बाय अंकल। बाय। विजय जा रहे हैं? एक बात बताओ नीता, इस शहर में तुम्हारी कौन आंटी भी रहती है? मेरी आंटी? हाँ, तुम्हारे डैडी की छोटी बहन। ओ, उन्हें हमारे तो 20 साल से भी ज्यादा हो गए, मैंने उन्हें देखा तक नहीं।
बाय। तुम ठीक कहते हो सनी, मेरी भी यही राय है कि फिलहाल रवि को कुछ ना बताया जाए। लेकिन अंकल ठाकुर साहब मेरे बाप को आज रात को मिलना चाहते हैं। ओहो, तुम्हारा बाप बनके मैं चलता हूँ ठाकुर साहब के पास। लेकिन अंकल जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, विल कीप दिस अ सीक्रेट। ओके, डन डन डन। शर्मा कम इन। हाय विजय, हाउ आर यू? हेलो अंकल। याद है ना, आज रात को एयरपोर्ट जाना है, बसेस आर कमिंग। ओह हेल। लेकिन अंकल मेरा क्या होगा? टेक इट इजी माय सन, टेक इट इजी। सोचते हैं कुछ। गुप्ता यार, तुम एक्टिंग कर लेते हो ना? एक्टिंग कर लेता हूँ? क्या कह रहे हैं जनाब, अजी 150 कप जीत चुका हूँ कॉलेज में एक्टिंग के लिए। रोमियो से लेकर अथेलो तक पार्ट अदा कर चुका हूँ। एक बार मैंने ना लैला का भी पार्ट अदा किया था। अगर फिल्म लाइन में चले जाता जनाब, तो बड़े बड़े हीरो लोगों की छुट्टी कर देता। छोड़ो छोड़ो, काम की बात करो। तुम्हें विजय के साथ ठाकुर साहब के यहाँ इसका बाप बन के जाना होगा और अपनी अदाकारी के जौहर बड़ी दिखाने हो। क्या बात है, बड़ी मुद्दत के बाद एक्टिंग करने के लिए स्कोप मिल रहा है। बताओ कब जाना होगा? आज रात को, ड्रिंक्स एंड डिनर फ्री। आज रात को? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? आज रात को मुझे भी तो एयरपोर्ट जाना है, वो सेल्स रिपोर्ट सबमिट करनी है। सनी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। सो एक काम करो, तुम आज ठाकुर साहब के पास चले जाओ और आज की रात किसी ना किसी तरीके पटा लो। लेकिन अंकल मैं ठाकुर साहब से वो कुछ नहीं, कह दो कि मेरे बाप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वगैरह वगैरह। Oh, you can do it. I know you can do it. You're a smart boy. You will do it. Thank you. Best of luck. Best of luck, my boy. Okay, Sharma. Okay. Okay. Yes, Rita. Flight cancel ho gayi hai. Good. Very good. Neeta. नीता, ये है मेरे डैडी। डैडी, नीता। जीते रहो बेटी। आप लोग बैठिए, मैं डैडी को बुला के लाती हूँ। बड़ा शानदार मकान है बे। तो ठीक है मामा जी, आज ओवर एक्टिंग नहीं करना प्लीज। ठीक है, शाम तक पहुंच जाएगा। डैडी। हाँ? विजय उसके पिताजी आए। ओ, एक मिनट। तो ठीक है, उनको यहीं भेज दो। बड़ी खुशी आपसे मिलकर। मुंशी साहब, विजय मैडम, तबीयत कैसी है जी? तबीयत अजी, तबीयत का क्या है साहब, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि रोज सुबह 6-6 अंडों का नाश्ता, आधा से दूध है, बदस्मी नाम को नहीं होती, इसीलिए इतना मोटा हो गया है। रोज कहता हूं कि बेटे इतना खाते हो, जरा सी एक्सरसाइज किया करो। तब देखिए साहब, जवानी में ये आलम है तो बुढ़ापे में उठने बैठने के लिए क्रेन लगानी पड़ेगी। मुंशी साहब, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं। विजय कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी अपना क्या है हुजूर, किसी रोज भी चल देंगे और क्या, अभी अभी मरते मरते बचा हूं। भगवान न करे, देखने में तो आप अच्छे खासे लगते हैं। ऊपर से नजर आता हूँ हुजूर, अंदर झांक कर देखिए, इतना बड़ा गोला है पेट में। मैंने आपको तकलीफ दी, माफी चाहता हूँ, दरअसल आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। जी हाँ, विजय ने जिक्र किया था। अब देखिए ठाकुर साहब, एक तो काम की मसरूफियत और ऊपर से वक्त कुछ इस तेजी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं लगता। अब यूं समझिए कि मैं क्लीन शेव करके ऑफिस में घुसता हूँ और जब बाहर निकलता हूँ तो इतनी बड़ी दाढ़ी हो। मुझे ये आप बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। विजय आ गया। ठाकुर साहब हैं। आपकी तारीफ। मैं विजय का पिता। जी डैडी पिता। मगर ओ कौन है? वो लड़की के पिता। लड़के का पिता? लड़की के पिता। बैठ जाइए। ठाकुर साहब, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? जी सब भगवान की कृपा है, कलकत्ते में दो मिले हैं, बंबई में एक फैक्ट्री है, पूना के पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है, उसमें मैं एक फैक्ट्री डालने की सोच रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप उसमें सीमेंट की फैक्ट्री डालिए, मेरे पास लाइसेंस भी है। वेरी गुड ठाकुर साहब, अगर प्लॉट अच्छा है तो काम फौरन शुरू किया जा सकता है। मैं अभी आपको प्लान दिखाता हूँ।
और जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, इतना बंडल मत मारिए, हम दोनों को जूते पड़ेंगे। बस बस बेटे उठो, काफी टाइट हो गया। टाइट हो गया? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ कह रहा हूँ और आप कुछ कह रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। जी बात यह है कि मेरे जूते गले बांध रहा था, पेट में गोले होने की वजह से छूक नहीं सकता। ओ ऐसी प्लान पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। वो आपका नींबू शरबत भी नहीं लेके आया, मैं देखता हूँ लोगों को। एक्सक्यूज मी शांता। आप? जी मैं विजय का पिता हूँ। जी? जी हाँ। जी कहाँ मर गए ये सब लोग? आप तशरीफ रखिए, मैं भी हाजिर हुआ। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए फरमाइए। मैं विजय का पिता, विजय फादर। आइए आप भी आइए। जी आइए आइए। जी विजय आ गए। जी हाँ। सॉरी मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, आप लोग ठीक वक्त पे आए। गुप्ता जी आप? शर्मा जी आप? आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं भी हाजिर हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुप्ता जी आप कैसे पहुंच गए? शायद जूते खाने थे इसलिए पहुंच गए। विजय जी तुम्हारे कितने बाप हैं? जी मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे कितने बाप हैं? ठाकुर साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक कर रहा हूँ? जरा इधर आइए। मामा जी। मामा जी आओ अपने बाकी बापों से भी मिल लो। आइए आइए, आप लोगों को तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। क्या फैमिली प्लानिंग है, वाह वाह वाह, तीन बाप का एक बेटा। ठाकुर साहब मेरा ख्याल है जब बात खुली गई है तो इसे क्या छिपाना। दरअसल हम तीनों में से कोई भी विजय का पिता नहीं। क्यों, कोई चौथा आने वाला है क्या? जी नहीं, विजय के पिता का देहांत तो बचपन में हो गया था, इसके बड़े भाई ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो फिर भाई को यहाँ साथ लेके आना चाहिए था, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए ठाकुर साहब, अगर आपको इसके भाई की असलियत का पता चल जाए तो शायद इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। ऐसी क्या बात है, कौन है इसका भाई? ठाकुर साहब बड़ों की दुश्मनी की आग में बच्चों को नहीं जलना चाहिए। हम पूछते हैं कौन है इसका भाई? ठाकुर साहब आप कोई ऐसा कदम मत उठाएं जिससे ये बच्चे बगावत कर उठे। कौन है उसका भाई? रवि आनंद। क्या? साल पहले जिसने मुझे जख्मी किया उस कमान से निकले हुए तुम दूसरे तीर हो। ठाकुर साहब 20 साल से मैं जिस कहानी को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ आज तुम फिर उसे दोहराने आए। बड़े भाई ने मेरी बहन से मुझको जुदा किया, छोटा मेरी बेटी छीनने आया हुआ है। नहीं ठाकुर साहब नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों को फट कर देके यहाँ से बाहर निकलवाऊं, बेहतरी इसी में है कि आप लोग खुद बहुत यहाँ से चले जाइए। लेकिन ठाकुर साहब आप पूछे कि गेट आउट। ठाकुर साहब भी क्या सोचते होंगे, यही ना कि इसमें कोई मेरी चाल होगी। तुम्हें मुझे पूछने में तकलीफ क्या थी? तुम क्या कर रहे थे वहां पहुंच जाते? नहीं लेकिन मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा देता। किसका? इसका। इसका किसका? विजय का। तुम बिल्कुल ठाकुर की तरह बात कर रहे हो। यू शट अप। बस भी करो, मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुमने भी तो प्यार किया था, अब तुम्हें तकलीफ किस बात की हो रही है? इसलिए कि वो ठाकुर की बेटी है? शर्मा तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों को मुर्गों की तरह कुड़कुड़ कर रहे हो, ये नहीं कि समझदारों की तरह कुछ सोचे और रास्ता निकाले। मधु आज से इस मामले में मेरा दखल बंद, आइंदा जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम। नीता मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सुनो तो। ए, ये जवानी तेरा रू रू है दीवानी ra ra ru ra 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 zu 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 ye jawani hai deewani मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के हे हे गिल गिली अखा गिल गिली अखा गिल गिली अखा
Billy, 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 मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है देखो तोबा तोबा बातें मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के रूठी चल झूठी बस झूठी दोस्ती शिकवा है होठों पे आंखों में प्यार भी देखो तोबा तोबा रूठी चल झूठी बस झूठी दोस्ती शिकवा है होठों पे आंखों में प्यार भी ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के दिल के दिल दिल से खिल जाता बन के फूल पर तुझको ना भूली छोटी सी मेरी भूल देखो तोबा तोबा मिलके दिल दिल से खिल जाता बन के फूल पर तुझको ना भूली छोटी सी मेरी भूल ये जवानी है दीवानी मेरी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के गिल गिल अखा बिली 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 गिल गिल अखा बिली 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 ए ए हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ तुम्हारी मीटिंग मीटिंग मुझे मालूम है पिक्चर का वक्त निकल जाएगा फिर तुम घर में घुसोगे अच्छी तरह सुन लो अगर वही आंखें वही माथा बिल्कुल भाभी भैया के लिए बहुत बड़ा सहारा छोड़ दी मेरी भाभी तुम्हारे रूप में अरे तू क्या देख रहा है पहली बार नीता घर में आई है कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर चल जा बैठो मेरी मुन्नी मेरी गुड़िया जी जाता है बस तुम्हें देखते ही जाओ शर्माती क्यों हो मैं तुझे थोड़ी देख रही हूँ मुझे मुझे क्या कुछ दिखाई दे रहा है मैं समझती थी सब बंधन टूट गए सारे रास्ते छूट गए पर आज ये क्या कि मानो मुझे भैया मिल गए कैसे मेरे भैया वो हमें क्यों नहीं माफ कर देते क्यों नहीं माफ कर देते कुछ नहीं बस तुम जल्दी से घर आ जाओ हाँ इसी वक्त जल्दी अच्छा
शर्मा सारी मिठाई नीता को ही खिला दोगी भाभी, मुझे भी तो ना। ओफो, लो। बस आंटी घर जाके खाना, नहीं तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे भैया से कह देना मेरे यहाँ खा लिया। नहीं नहीं मत कहना, भैया जब मिलेंगे तब बता दूंगी, सारी कसर निकाल दूंगी। चलो खा लो। देखो नीता आई है। अच्छा यह नीता। अच्छी तरह बैठी, कैसी हो? अच्छी हूँ। डैडी कैसे हैं? अच्छे हैं। हमें बहुत याद आते हैं, ये तो उन्हें याद करके अक्सर रो पड़ती है। उनका ख्याल रखती हूँ ना बेटी। जी। बैठो। नहीं अंकल बहुत देर हो गई, आप ही का इंतजार कर रही थी। बाय चिकू। बाय। ठहरो, इस तरह खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी। आंटी अपने डैडी से मत कहना। तक नीता क्यों नहीं आई? उसे अच्छी तरह मालूम है आप लोग तशरीफ ला रहे हैं। किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी, आ जाएगी। भाई साहब मेरी माने तो एक बात कहूँ। फरमाइए। अब आप नीता की शादी कर दीजिए। भाभी इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत छोटी है, पढ़ लिख ले। आपको उससे कौन सी नौकरी करवानी है? फिर भी आजकल लड़के अच्छे मिलते कहाँ है। वाह भाई साहब वाह, ये भी आपने खूब कही। ये तो वही बात हुई चिराग तले अंधेरा, बच्चा बगल में और ढिंडोरा शहर में। क्या मतलब? बेनी भी तो आप ही का बेटा है भाई साहब। क्यों नहीं? आज हम झोली फैला कर आए हैं और खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। भाई साहब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक बेटी के लिए तरसते रहे, शायद इसमें ही उसकी कोई मर्जी हो। हमें बेटी मिल जाएगी और आपको बेटा। भाभी हमें सोचने का मौका दीजिए। मम्मी लेकिन नीता की मर्जी भी तो मालूम होना चाहिए। देखा आपने कितना शरीर है, हमें ही उल्लू बनाया जा रहा है। खुद ही कह रहा था कि नीता मेरे बगैर कहीं कदम ही नहीं रखती, जहाँ जाते हैं साथ साथ, बस यही बेनी जरा चलो यहाँ, बेनी जरा चलो यहाँ। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन हमें कुछ वक्त तो चाहिए, ये कोई गुड़िया गुड्डों का खेल तो है नहीं, हमारी बेटी की शादी है। बस भाई साहब आप एक बार हाँ कर दीजिए, उसके बाद मंगनी मंगनी की जो रस्म है वो करे लेते हैं। खैर शादी तो भगवान ने चाहा तो ऐसी धूमधाम से करेंगे कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक है। शुक्रिया। सिन्हा साहब मुझे मंजूर है। ठाकुर साहब हमें यकीन था कि आप हमें खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे। बस ये नीता का इम्तिहान हो जाए उसके बाद ये रस्म भी पूरी कर देते हैं। बेटा बनी नीता कॉलेज में पढ़ती है, मुझे हर वक्त उसका फिक्र लगा रहता है, तरह तरह के लड़के होते हैं कॉलेज में, जरा उसका ख्याल रखा करो। जी जरूर ठाकुर साहब। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पार्टी मेरे जीतने की खुशी में दी जा रही है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और खासकर विजय का। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं आप सब लोगों की, स्टूडेंट्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप सबसे आगे रहूंगा। आज एक और खुशी का मौका है और वो ये कि आज हमारे योगेश कपूर का जन्मदिन है। आपको आपके इलेक्शन की जीत मुबारक हो। रतन नहीं सॉरी तेरी काय को मेरा तुम्हारा सब क्या किसके साथ? विजय के साथ। तुम्हारा मतलब है कि अपने डैडी के कहने पे बेनी से शादी कर लोगी? मुझे करनी पड़ेगी विजय, मैं डैडी की इकलौती बेटी हूँ, मेरे सिवा उनका कोई नहीं। अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया उनका दिल टूट जाएगा और मेरी कितनी बदनामी होगी, होगी ना? तुम क्या समझती हो मुझे धोखा दे के बेनी से शादी कर लोगी?
तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। ठीक है मैम साहब, ठीक है। क्या हम मस्करी करता था सच्ची? ओफो, हम बंडल मारता था बाबा। मेरी नजर ने ये दिल तेरे नाम कर दिया, मेरी नजर ने ये दिल तेरे नाम कर दिया। ऐ तौबा, मुझे तूने बदनाम कर दिया। ऐ तौबा, मुझे तूने बदनाम कर दिया। कमीने, लड़ना है तो अकेले लड़, चमचों की क्या जरूरत है? नीता, तुम विजय से मिली थी? डैडी एक कॉलेज में है, एक क्लास में पढ़ते हैं, मुलाकात तो होगी। मैं वैसी मुलाकात के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ओह, बेनी ने आपके कान भरे होंगे। बेनी जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, मेरे कहने पर कर रहा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। ये आप कह रहे हैं? क्या मतलब? डैडी विजय ने क्या बिगाड़ा है, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि वो ऐसे जलील आदमी का भाई है जो हमारे टुकड़ों पे पला और उसके बाद उस नमक हराम ने हमारे ही खानदान की इज्जत पे कीचड़ उछाला। नहीं डैडी, डैडी प्यार करना कोई गुनाह नहीं, शादी करना कोई पाप नहीं। क्या? हाँ डैडी, मुझे सब मालूम है। आप इतने दिन तक मुझसे झूठ बोलते रहे,
आपने कहा कि आपकी बहन 20 साल पहले मर चुकी है, पर ये झूठ है। वो जिंदा है डैडी, और इसी शहर में मैं उससे मिल चुकी हूँ। कितने अच्छे हैं वो लोग, कितना प्यार करते हैं आपको। और डैडी आप उनसे नफरत करते हैं, उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं। नीता! हाँ डैडी, एक बार जाके उन्हें देखिए, कितने खुश हैं वो लोग, हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा। आज के बाद ये घर से बाहर कदम ना निकाले। भैया नीता की सगाई कहीं और कर रहे हैं, और तुम्हें सगाई को रोकना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? विजय की जिंदगी तो तब बर्बाद होगी जब नीता की सगाई कहीं और हो जाएगी। देखो इस वक्त उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसे मेरी मदद की नहीं, मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत की। तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। ये उसके पढ़ने लिखने के दिन है, ये शादी ब्याह बिताने के। मगर विजय को नीता से प्यार है। ये प्यार नहीं, मौसमी बुखार है जो सिनेमा घरों से शुरू होकर कॉलेजों में पहुंचता है। फिल्मी गीत इसे हवा देते हैं और फिर ये बुखार खुद ब खुद एक दिन ठंडा हो जाता है। मगर विजय का प्यार मौसमी बुखार नहीं, उम्र भर का बंधन है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। तुम उसे कुछ नहीं जानती। वो तो अभी तक कॉलेज में अपनी फीस भी खुद अदा करने के काबिल नहीं हुआ, पराई बेटी का बोझ कैसे उठा सकता है। और फिर वो लड़की, वो अभी तक नाबालिग है, उसके बारे में सगाई शादी ब्याह की बात करना ही जहालत है, बल्कि गैर कानूनी है। बेटा नीता मेरी थी। वो बेल के बच्चे ने सारा मामला खराब कर दिया। नीता उसके डैडी में काफी झगड़ा हुआ। नीता की डैडी ने उस बेचारे को बहुत मारा और अलग कमरे में बंद कर दिया। उसे कोई मिल तक नहीं सकता। भाईजान। हाँ विजय, 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 ये क्या? भाईजान, सिर्फ एक बार, प्लीज, सिर्फ एक बार नीता को मुझसे मिलवा दो। मैं कोशिश कर। कैसी तबीयत है? बुखार वुखार तो नहीं है? दो तीन दिन से कॉलेज नहीं, पता चला तुम बीमार हो। कम से कम फोन तो कर दिया होता। चलो ऊपर चले। हाँ ऊपर नहीं, चलो आओ गार्डन में बैठते हैं। घर में बैठे बैठे बोर नहीं होते? नहीं गार्डन में। हाँ हाँ जाओ बेटी, हो जाओ। थैंक यू। इधर नहीं, डैडी देख लेंगे। ओ, इधर आओ ना। इधर आओ, इधर आओ ना। तुम कैसे हो? तुम नहीं थी नीता तो कुछ भी। डैडी ने बहुत मारा नीता। विजय मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटता है। मेरे भी कुछ समझ नहीं आता, यहाँ भैया भी कुछ करने को तैयार नहीं। जी मैं आता, यहाँ से भाग जाओ। मुझे भी मेरे साथ ले चलो, ले चलो मेरा। मैं तुम्हें ले तो जाऊँ नीता, मगर तुम्हारे डैडी, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अगर यही बात तो कल चलो खंडाला, वहां मेरे एक दोस्त का बंगला है। गुड आइडिया। कुछ दिन तुम इन लोगों से दूर रहोगे तो इन सब के होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ठीक है, कल 11 बजे तुम मुझे पहली रोड से मिलो। आओगी ना? चलो नीता, बहुत देरी होगी, कहीं डैडी को पता चल गया तो। आइए साहब, ठहरिए जरा, बत्ती चला लो। देखिए साहब, ये बैग तो बहुत हल्के। यूं ही, यूं ही। ये रहा कमरा साहब,
बहुत हवादार है, सामने बाथरूम है, वो देखिए। क्या नाम बताया साहब आपने वैसे? मेरा विजय, ये है नीता, मिस्टर एंड मिसेस विजय। रात को सर्दी बहुत हो जाती है, छोटी छोटी लकड़ियों का इंतजाम किया। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 3 साल। छोटी उम्र में शादी हो गई। शादियां तो छोटी उम्र में हो जाती है, लेकिन आपने कोई बच्चा नहीं? नहीं नहीं, परिवार नियोजन। क्या परिवार नियोजन साहब, सरकार ने भी कहा 2 या 3 बच्चे होते हैं सबसे अच्छे। जी मैम साहब, यहाँ और एक कमरा मिल सकता है? क्यों, इतना अच्छा कमरा आपको पसंद नहीं है? नहीं, कमरा बहुत अच्छा। कमरे तो बहुत है मैम साहब, मैंने कहा आप शादी शुदा हैं। नहीं नहीं, शादी है ना, घबरा जाती है, कोई बात नहीं। मैम साहब, सामने के कमरे में मेरी औरत रहती है, किसी चीज की जरूरत हो तो आप। तुमने तो बिल्कुल गड़बड़ कर दी थी, दूसरे कमरे के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? नीता, क्या हुआ? विजय, हम घर से तो भाग आए हैं, मेरे डैडी और तुम्हारे भैया नहीं माने तो? तो क्या, हम कहीं और रह लेंगे। कहाँ? कहीं भी, कोई कमरा ले लेंगे। कमरे के लिए पैसे चाहिए विजय। कोई नौकरी कर लूंगा, मेहनत करूंगा, शायद कोई बिजनेस कर लूं। बिजनेस के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे? मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच दूं। मोटरसाइकिल बेच दोगे? उससे तो सिर्फ 2-3 हजार मिलेंगे, और 2-3 हजार से बिजनेस क्या होगा? अरे हाँ, वो अपने मामा जी है ना, डिस्कोटेक वाले, वो जरूर अपने होटल में मुझे 200-300 तक की नौकरी दिलवा देंगे। 100-150 का कमरा भी मिल जाएगा, ठीक है ना? 300 की नौकरी, 100-150 का कमरा, बचे कितने? कुछ ना कुछ कर लेंगे नीता। विजय, अपने पास कुछ है भी तो नहीं घर के लिए, फर्नीचर, किचन का सामान? सुनो, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। हाँ, ए, आओ ना, दिल है बेकरार। नाना, नाना। एहे। नाना। करो इंतजार, छोड़ो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, कभी करो इंतजार। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं हूँ बेदरार। तू भी जवां, कमी है किस बात की? हे, मैं भी जवां, तू भी जवां, कमी है किस बात की? यहाँ आओ न घबराओ, रुत है मुलाकात की। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, अभी नहीं, फिर कभी दिल जा। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं हूँ बेदरा। तुम पिया,
ले जाएगी बहार। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार। हे 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 नाना, आ आ आ इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। ना 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 बाबा, जाने जहाँ फिर कहाँ ऐसी तन्हाइयाँ। जाने भी दो छोड़ो मुझे, होंगी रुसवाइयाँ। नहीं नहीं कभी नहीं, मत करो इनकार। नहीं नहीं कभी नहीं, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। क्या हुआ विजय? मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ से ले चल। I'm sorry, Neeta. Please, please मुझे माफ कर दो। Please. ठाकुर साहब, यह कसूर तुम्हारा नहीं है, यह उस खून का कसूर है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। उस खानदान का कसूर है जो दूसरों की बहू बेटियों को गुमराह करना अपना धर्म समझता है। तुम चुप रहो, मैं आज इस जलील को जेल भिजवा के रहूंगा जो तुम्हें यहाँ भगा के लाया। चलो मेरे साथ। डैडी, मुझे विजय यहाँ भगा कर नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आई। क्या कहा? ये समस्या थप्पड़ों से हल होने वाली नहीं है। अगर आपको मारना है तो विजय को मारिए। ये लड़की तो बिल्कुल निर्दोष और नासमझ है। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। मुझे अपनी बेटी के साथ क्या सलूक करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को जेल भिजवा के रहूंगा। संजय ठाकुर साहब, ले चलिए मुझे जेल, लगवा दीजिए मुझे हथकड़ियां। मैं भरी अदालत में सबके सामने कहूंगा, प्यार करना कोई पाप नहीं, प्यार को रोंधना पाप है। विजय, बकवास बंद करो और ठाकुर साहब से अपनी हिमाकत की माफी मांगो। बहुत खूब, ये तुम उससे कह रहे हो जो तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहा है और तुम्हारी जिंदगी की कहानी दोहरा रहा है। मैं पिताजी की तरह नहीं हूँ जो खामोश बैठा रहूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा हिसाब मेरे भाई और नीता से न चुकवाइए। जो कुछ हुआ है उसे भुला दीजिए। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आप इसे घर ले जाइए और जितनी जल्दी हो सके आप इसका कहीं ब्याह कर दीजिए। तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। चल नीता। डैडी की बच्ची, याद रख, अगर घर से बाहर कदम रखा तो जान से मार दूंगा। अब उस विजय को भी देख लूंगा। विजय पहले से ही मेरी ब्लैकलिस्ट में, मैं तो उसे कई वार्निंग्स भी दे चुका हूँ, और ये केस तो बहुत ही सीरियस है। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि ऐसा स्टूडेंट मेरे कॉलेज में रहे। अगर ऐसा ना हुआ तो? क्यों नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी उसे रेस्टिकेट किया देता हूँ। आप कल ही से नीता को कॉलेज में भिजवा दीजिए। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। विजय, विजय, तुझे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया। क्या पकड़े हो यार? ये सच है, मैंने अभी अभी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा है। अरे हाँ यार, मैं तभी सोच रहा था कि नीता की डैडी आज सुबह कॉलेज क्यों आए थे। कब? तेरे आने से कुछ देर पहले। मेरे को तो लगता है उसने चाबी फिरा रहेगा। दस्तू, तुम जाकर रतन को बुलाओ, मैं प्रिंसिपल साहब से मिलकर आता हूँ। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या है?
यार तुम उस लड़की को जबरदस्ती खंडारा नहीं ले गए थे? नहीं सर, वो जानते हो नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने की क्या सजा होती है? सर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ। मर्जी से? शुक्र करो ठाकुर साहब ने तुम्हें जेल में नहीं डाल दिया। प्लीज सर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम कॉलेज को बदनाम करना चाहते हो? तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की कॉलेज में कोई जरूरत नहीं। गेट आउट प्लीज सर। आई सेड गेट आउट। मेरी बात तो सुनिए सर। गेट आउट। क्या हुआ यार? प्रिंसिपल साहब तो मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एक नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया। अरे वाह, प्रिंसिपल का राज है क्या? जिसको मांगता उसको निकाल देगा? दादागिरी है क्या? लड़का लड़की प्यार करेगा तो उसमें क्या हर्ज है? इसमें प्रिंसिपल का क्या जाता है? अगर विजय कॉलेज से निकाला गया तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, आग लगा देंगे सारे कॉलेज को। और रतन, हम लोगों ने तुझे कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी चुना है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आग लगाने से फायदा क्या होगा? इससे विजय का केस और बिगड़ जाएगा। तुम लोग समझते क्यों नहीं? विजय को कॉलेज से निकाल दिया जाए और हम चुप रहे? क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? रतन, कल से हम लोग कॉलेज नहीं आएंगे और सब लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। ओके ओके, अगर आप लोगों का यही फैसला तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन विजय, इस स्ट्राइक का फायदा उसी वक्त होगा जब नीता हमारे साथ होगी और प्रिंसिपल साहब के सामने जाके कहे कि वो खुद अपनी मर्जी से गई थी। दोस्तों, आप लोग सब मेरा साथ देने को तैयार हैं तो मैं वादा करता हूँ नीता को जरूर लाऊंगा। हेलो, 500 रुपया और जाकर जग्गू दादा से कुछ बॉम्ब ले आओ। बॉम्ब से क्या होगा? विजय की जिंदगी का खात्मा, स्ट्राइक होगी, तुम लोग बॉम्ब फोड़ोगे और नाम विजय और रतन का होगा। बहुत दूर की सोचते हो बेनी। मगर हमारे इनाम का क्या होगा? इधर बॉम्ब फोड़ो, उधर 1000 रुपया कैश। डैडी ने तुम्हें कॉलेज से निकलवा दिया। नहीं नीता, रोते नहीं है, रोते नहीं है, पिंजरों की ऐसी आदत हो गई। डर लगता है मेरे बाजुओं में भी। विजय, तुम यहां कैसे आए? बस समझ लो उड़ के पहुंच गए। सुनो नीता, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहां? कल हम सब प्रिंसिपल साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन अब की बार हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ 500 स्टूडेंट और भी होंगे, और जब तक प्रिंसिपल साहब को असलियत का पता नहीं चल जाता हम वहां से नहीं हटेंगे। विजय, मुझे डर लगता है कुछ हो। अरे होगा क्या, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाऊंगा, उन्हें साफ साफ जाके कह दूंगा कि मैं नीता से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। गया ना, बहुत मार पड़ेगी। क्या गुल खिलाया तुम्हारे लाडले देवर ने? क्या हुआ? कॉलेज से निकाल दिए गए हैं, अब लड़कों के साथ मिलकर प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। विजय, क्या ये सच है? हाँ भाभी। मगर ये सब क्यों? क्योंकि मुझ पे इल्जाम लगाया गया है,
क्या मैं नीता को भगा के ले गया था? इसके अलावा बीसियों और इल्जाम है, और नीता को भगाने का इल्जाम कौन सा गलत है? अगर ठाकुर ने पुलिस को इत्तला की होती तो इस वक्त तुम जेल में होते। मैं किसी को भगा कर नहीं ले गया भैया, नीता अपनी मर्जी से अपनी खुशी से मेरे साथ गई थी। ठाकुर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने उनकी सारी बातें मानी। तो ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर प्रिंसिपल ने बेइंसाफी की है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मोर्चे निकालो, फिसाद करो, पत्थर मारो। आपके जो मन में आए कह लीजिए, आप तो पहले से ही फैसला करके बैठे हुए हैं कि मैं लुच्चा लफंगा, लेकिन बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा हक है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। विजय। हाँ भाभी, अगर मैं पहले आके इन्हें बता भी देता तो सिवाय गाली खाने और थप्पड़ खाने के मुझे और क्या मिलता? मधु, इससे कहो ये बकबक बंद करे। अगर ये मोर्चा करने जाएगा तो आज से इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। ये आज तुम्हें क्या हो गया है विजय? तुम बीच में मत पड़ो भाभी, ये डांटने डपटने वाले भूलते हैं कि ये भी कभी हमारी उम्र के थे। इनके मन में भी कोई तड़प थी, कुछ अरमान थे। ये समझते हैं कि लेक्चर देने का हक सिर्फ इन्हें है। मैं आपसे पूछता हूं भैया, जब आपने पहली बार प्यार का शब्द भाभी के कान में कहा था तो क्या आपने पिताजी से? तुम्हारा छोटा भाई है, दुश्मन तो नहीं। जिसे मेरी इज्जत का ख्याल नहीं वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। सुन लिया भाभी? विजय, वो नहीं मानते तो तुम मान जाओ। नहीं भाभी, अब जो होगा देखा जाएगा। विजय, टाटा! वो चला गया। तो जाए जहन्नुम में, मेरा भाई है ना, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हो? आज वो तुम्हारा सब कुछ हो गया और मेरा कुछ भी नहीं, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला, अपनी जान गाली। तुम सिर्फ उसके लिए जान गालती हो ना, मैं तुम सबके लिए जान गालता हूँ। ये बंगला, मोटर, नौकर चाकर, ऐश आराम, इन सब के लिए दिन रात मुझे जो कुर्बानी करनी पड़ती है वो मैं जानता हूँ। इसके बदले में अगर मैं उम्मीद करूँ कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी बने तो क्या ये गुनाह है? वो मेरे सामने हर किस्म की बेहूदगी करे, मुंह पे ऊंट पटांग जवाब दे तो मैं क्या करूं, हाथ जोड़ के खड़ा रहूं? मर्दों को कुर्बानी का बकरा बनकर दिखाने में बड़ा मजा आता है। मैंने भी कभी अपनी कुर्बानी का जिक्र किया है? बस ढेर सारे पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गया। सुनो, इस घर के लिए तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारा फर्ज था, मैंने जो कुछ किया है वो मेरा फर्ज था। किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया, फिर कभी अपनी कुर्बानी का भाषण मत देना। आज तक विजय साहब कहते थे मैं भाषण करता हूँ, आज ये भी यही फरमा रही हैं। अच्छा जमाना आ गया, किसी के फायदे की बात करो तो भाषण हो गया। मैं ये पूछता हूँ, मैं उसके फायदे के लिए नसीहत करता हूँ या नुकसान के लिए? मगर किसी को चांटा मारकर नसीहत नहीं दी जाती। चांटा? मैंने किसको चांटा मारा? वो तो मैं बीच में आ पड़ी, वरना तुमने कौन सी कसर बाकी रखी थी? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा फर्ज हर वक्त नसीहत देना ही है, या किसी वक्त किसी के पास बैठना भी, किसी को प्यार के दो लफ्ज कहना, किसी को समझने की कोशिश करना? अगर नौजवान पीढ़ी का फर्ज है कि वो बड़ों की इज्जत करे, तो बड़ों का भी फर्ज है कि नौजवानों का हौसला बढ़ाए, उनका दिल जीते, न कि उन्हें गाली गलौज करे। तो आप क्या चाहती हैं, मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर उनके पांव पड़ूं या आपके भाई साहब के आगे नाक रगड़ूं? मैं कहां कहती हूं कि तुम किसी के आगे नाक रगड़ो। तुम फौरन जाकर विजय को ले आओ, उसे छाती से लगाकर प्यार से समझाओ। देखो, वो नेक लड़का है, समझदार है, तुम्हारी कोई बात नहीं टालेगा। कहीं देश में आकर वो ऐसा काम न कर बैठे जिसके लिए उसे जिंदगी पर पछनाना पड़े, और साथ साथ हमें भी। तुम्हें मेरी कसम, अगर आज कोई अनर्थ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी पर माफ नहीं करूंगी। देखा, ये है हमारे स्टूडेंट्स, कल जिन्हें देश का बोझ अपने कंधों पर उठाना है, ये उठाएंगे। बदतमीज, पुलिस की एक लाठी चलेगी या एक सूरत नजर नहीं आएगी। सर, मेरे ख्याल में पुलिस को कॉलेज कैंपस में बुलाने से पहले अगर स्टूडेंट्स को डिस्पर्स होने की वार्निंग दे दें तो मान जाएंगे। सर, मैंने अच्छी तरह जानता हूँ ये कोई गैर कानूनी काम करना नहीं चाहता। और ये कानूनी काम है? सर, मेरा ख्याल है अब भी उनके लीडर को बुलाकर बात कर लीजिए, मुझे यकीन है मामला खत्म हो जाए। मुझे उनसे मिलने से कोई इतराज नहीं है, पहले उनसे जाके कहिए कि शोर हंगामा बंद करें। और उसके बाद कोई दूसरा पत्थर आया तो इंस्पेक्टर साहब, आपको पूरी इजाजत है कि पुलिस को अंदर बुला लीजिए। यस प्लीज।
खामोश खामोश। प्रिंसिपल साहब विजय से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आप लोग ये नारेबाजी छोड़ दें और अपनी अपनी क्लासेस में चले जाएं। हम कॉलेज की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कॉलेज में आग लगा देंगे। आग लगा देंगे? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। आप लोग आग लगा देंगे ये सबका तमाशा देखेंगे। कोई गलत कदम उठाने से पहले सोच लो, कॉलेज के चारों तरफ पुलिस है, कईयों की जान जा सकती है और कईयों को चोट भी लग सकती है। हम पुलिस से नहीं लड़ेंगे। मैं आप लोगों से मिलने के लिए कहा, मेरी बात मानिए और यहां से चले जाओ। विजय, नीता क्यों नहीं आई अब तक? उसने कहा तो था कि वो आएगी। नीता कहां जा रही हो? आप अच्छी तरह जानते मैं कहां जा रही हूं। तुम आज इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। क्या करेंगे आप? मार डालेंगे? मार डालिए, रोज रोज के मरने से एक बार का मरना बेहतर है। रुक जाइए नीता। डैडी, आज मैं जिस प्यार के खातिर जा रही हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप और ना ही आपकी बंदूक। नीता रुक जाओ। तू क्या कर रहा है? जब तक तुम घर नहीं जाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा। नहीं, चला जा यहाँ से। नहीं, देख कुछ करता है ना, बंद कर। विजय, नीता आ गई। प्रिंसिपल साहब, नीता मेरे साथ है, आप इसे पूछ सकते हैं क्या हुआ था। विजय को वापस लेना पड़ेगा। मैं विजय से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग अपने अपने क्लासेस में जाइए और अगर विजय बेकसूर है तो मैं अपना हुक्म वापस ले लूँ। बेटी मेरी गाड़ी जल्दी मंगवा दो, इनको बहुत चोट लग गई है, अस्पताल पहुंचा दो। बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए, जल्दी अस्पताल जाओ। डॉक्टर ठीक है ना? हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, रवि का बचना बहुत जरूरी है, उसे किसी तरह भी बचा लीजिए। मुझसे जो भी कीमत चाहिए ले लीजिए, मगर रवि को बचा लीजिए प्लीज। दौलत देकर किसी की जान बचाई जा सकती, दुनिया में किसी भी अमीर आदमी को कभी भी मौत ना आती।
आप उसकी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए। एक बात कहूं ठाकुर साहब, बुरा मत मानिएगा, इस सारे हंगामे का अगर जिम्मेदार कोई है तो हम जी। हम इन नौजवानों को हमेशा कसूरवार ठहराते हैं, उनके हर काम को गलत और बुरा समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हल करने के बजाय पेचीदा बनाते हैं, और आखिरकार नतीजा ये। शुक्र है कोई स्टूडेंट सीरियसली जख्मी नहीं हुआ, वरना भैया कैसे? अभी तक होश में नहीं है। विजय, ये सब क्या हो गया? तेरे भैया कहाँ है? वो ठीक कहा है ना? अब ठीक। तुम बताते क्यों नहीं? बोलो ना कहाँ है वो? अब ठीक। नहीं तो मुझे अंदर ले चल। चलो। आप यहाँ क्यों? मधु, मुझे बहुत दुख है। दुख? दुख कैसा? आज तो आपके लिए खुशी का दिन होगा। 20 साल में पहली बार आपके दिल की भड़ास निकली होगी। ऐसा ना कहो मधु। कौन मधु? वो तो आज से 20 साल पहले आपके लिए मर चुकी। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। जिंदगी भर मैं आपसे शांति की भीख मांगती रही, और आज आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं? चलिए, चले जाइए यहाँ से। आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसे ज्यादा बातें मत कीजिएगा। ये क्या हालत बना रखी है? मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। नीता, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? चोट वोट तो नहीं है? भगवान का शुक्र है। ठाकुर साहब मुझसे मिले बगैर चले जाएंगे। थैंक यू रवि। किस बात के लिए? मेरी जान बचाने के लिए। ठाकुर साहब, आपकी जान को मैंने अपनी जान से कभी अलग नहीं समझा। मधु, अपने भैया से नहीं मिलूं? मधु, माफी तो मुझे इन लोगों से भी मांगनी है। बेटा, सामने के कौन आया, दिल में हुई हलचल,